said it doesn't get better than this. Only a fool would have let you go. It got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but it won't be fine. 'Cause nothing's ever black and white. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है शशांक सानी और आप देख रहे हैं शशांक ब्लॉग. शशांक ब्लॉग आज आपको कुछ धमाकेदार चीज दिखाने वाले हैं. मैं अपने बाइक के साथ में ना किसी भी तरीके का छेड़खानी कराना नहीं चाहता हूँ. तो नॉर्मली हम लोगों ने सोचा है कि एलॉय पे जो रिम स्टिकर आता है उसे मैंने अमेजोन से परचेज करा हुआ है. काफी खूबसूरत स्टिकर है, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आज वो चीज इस पे इंस्टॉल होगा. चैनल का नाम जो है शशांक ब्लॉग्स पे मेंशन करवाएंगे और थोड़ी सी गाड़ी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे. तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे. मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या डिटेल हमारे बाइक के लिए आया हुआ है. गाइस सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने रिम स्टिकर मंगवाया है वो है पिस्टन ग्राफिक और ये अमेजोन से मैंने मंगवाया. तो गाइस ये है हमारा स्टिकर और मुझे ये बहुत ज्यादा मतलब प्रीमियम लगा है अपने बाइक के लिए और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जो है सुपर्ब है. अकॉर्डिंग टू बजट 480 रुपये में बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी मिल रहा है. एक्चुअली मार्केट में भी मैंने जो है पता किया था और इस तरीके का डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ कलरफुल जो है डिज़ाइन वाले स्टिकर मिल रहे थे. तो मुझे ये ज़्यादा जेन्युइन लगा. स्टिकर वाले के पास में चलते हैं फटाफट और वहाँ पे इसे इंस्टॉल करवाते हैं. उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए वेट. फिलहाल गाइस आ चुके हैं स्टार स्टिकर और ये मेरी बहुत ही पुरानी दुकान है और भैया को तो मैं बचपन से जान रहा हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं ये. और सडन आज ये दिख भी गया यहाँ पे और मेरे बाइक पे जो है भैया खुद ये स्टिकर इंस्टॉल करेंगे. उसके बाद देखते हैं स्टिकर लगने के बाद बाइक की क्या खूबसूरती निकल के आती है. यार गाइस सामान तो अमेज़न वाले दे तो दिए, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जो उनका डायमेंशन है ना बिल्कुल ही गलत है यार. एलॉय पे सही तरीके से फिक्स नहीं हो पा रहा है. मतलब अगर पूरे तरीके जिस तरीके से उन्होंने स्टिकर में दिखाया है एलॉय पे लगाने के लिए, अगर उस तरीके से हम लगा रहे ना तो अप्रॉक्स एक फिट के आसपास में जो है ना डिस्टेंस आ जा रहा है, उतना गैप पड़ रहा है अभी. इससे दिमाग में घूम चुका है हम लोग का. तो कर ये रहे ना कि जैसे तैसे पहले स्टिकर को फिक्स कर रहे हैं, जो गैपिंग बच रहा है ना उसे छोड़ रहे हैं. लास्ट टाइम में देखते हैं कि स्टिकर कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा. अगर नहीं बच रहा है ना तो फिर मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट को ना मतलब डिसलाइक है यार, फिर तो बेकार है ना. कुछ कहना चाहेंगे भैया इस प्रोडक्ट के बारे में? हो जाना चाहिए क्योंकि भैया ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया. फिलहाल एक साइड का तो एलॉय कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर रहे हैं. अभी बैक साइड का पूरा एलॉय बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है. तो
हालत बहुत ज्यादा खराब है, तंग गर्मी से, बस जल्दी लग जाए। तीन साइड में लग चुका है, बस लास्ट साइड लग रहा है। उधर आगे में कुछ बचा हुआ है? देखने और दिखाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि हालत इतना ज्यादा खराब है ना, सिर्फ पसीना दिखेगा कहीं। खैर कोई बात नहीं है, जब अपना काम हो रखा होता है ना तो फिर ऐसे हालात में भी ना सब कुछ अच्छा लगता है, बस जल्दी से काम हो जाए। जब इतना डेकोरेशन हो गया तो थोड़ा बहुत और लोगो वगैरह भी लगवा लेते हैं, अपने चैनल का लोगो लग जाएगा तो कितना सॉलिड लगेगा फिर। भाई देखो अपना लोगो जो है ना वो कटिंग होना शुरू हो गया है। अगर गाइस आपको ना बहुत ही मतलब मिनिमम बजट में और बहुत ही अच्छा काम करवाना है तो आप गोरखपुर से हो तो सुमेर सागर पे आप स्टार स्टिकर पे विजिट कर सकते हो। फिलहाल कटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, अब स्टिकर को उतारा जा रहा है गाड़ी पे लगाने के लिए। आपको यहाँ पे लाइटिंग से लगा स्टिकरिंग और एग्जॉस्ट अगर आपको अपने बाइक में लगवाना है, आप ये देख सकते हो ये एल्युमिनियम का जो है प्लेट है इस पर प्रिंटेड है। अब मतलब ये अपने गोरखपुर में ना यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि एल्युमिनियम शीट पे और उस पर प्रिंट है। आप देख सकते हो क्वालिटी कितनी जेन्युइन है, और यार मतलब ये देख सकते हो कप की भी प्रिंटिंग है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे कृष्णा विला लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके के और भी डिफरेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़रूर अगर गोरखपुर से आप हो तो स्टार स्टिकर पे विजिट ज़रूर एक बार करो। गाइज ये देख सकते हो यार मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब अब एक ब्लॉगर वाला जो फील होता है ना गाइज, वो चीज़ अब मेरे को आ रहा है कि मेरे बाइक पे जो है ना अभी शशांक ब्लॉग्स लिखा चुका है यार। मतलब अब आप देख सकते हो, ये देखो अब ये लग रहा है ना कि हाँ किसी ब्लॉगर की बाइक है यार, मतलब भैया ने सच में दिल जीत लिया है यार। अब देख लो गाइज मतलब बाइक का यार अब लुक ही चेंज हो गया, सिर्फ शशांक ब्लॉग्स का जो स्टिकर लग जाने की वजह से इतना डिफरेंट है यार। अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी हटके की जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अभी इंस्टाग्राम के लोगों का कलर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लोगों का कलर जो है ना चेंज करके पिंक कर दिया, और वाकई में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है ब्लैक कलर पे। Awesome guys, guys finally गाड़ी जो है ना एकदम ओके हो चुका है, बहुत ही मतलब डिफरेंट जो है लुक आ चुका है गाड़ी का, और इसका मैं थैंकफुल हूँ भैया का। तो खैर भैया हमारे सामने हैं, भैया आप अपने दुकान का लोकेशन बता दीजिए और सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम राशिद है, विजय चौक से 50 मीटर तिवारी जी के खाते वाली रोड पर स्टार स्टिकर ऑटो एसेसरीज के नाम पर। आपको वहीं से जैसा कोई भी काम कराना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, भैया डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ये डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगा ही। अभी फिलहाल जो है स्क्रीन पे नीचे जो है नंबर विजिबल हो रहा है, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके वहाँ पे एड्रेस भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप बेझिझक यहाँ पे आओ और अपने मन चाहा। देखो यार कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं यहाँ आने से पहले ना कन्फ्यूज़ था कि वो हो पाएगा या नहीं, लेकिन भैया दो मिनट में वो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दिया उन्होंने। भैया मैं बहुत ज़्यादा वाकई में थैंकफुल हूँ आपका, और मिलते हैं फिर किसी और दिन। नन्हा सब्सक्राइबर कि जब ना जब भी मुझे ऐसे दिखता ना तो कहता भैया बाइसेप्स दिखाइए, और उसको पकड़ के ना ऐसे ऐसे पंच करता। देखो एनीवेज गाइस मैं अभी फिलहाल घर पर आ चुका हूँ, और घर वालों का रिएक्शन कुछ देखने लायक था कि तुमने गाड़ी में क्या करवा दिया। नन्हे सब्सक्राइबर्स इसके बारे में पूछते, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? एक नंबर। कोई नहीं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। और जैसा कि मैं आपको बार बार वो चीज़ बोलते आ रहा हूँ, लास्ट के दो शब्द, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टाटा बाय, लव यू गाइस, वेलकम।